और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आपने शाहरुख खान का भी स्पीच सुना, गुरुवार शाम कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के IFF में शिरकत की। इवेंट के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने काफी इंप्रेसिव स्पीच देकर अपने फैंस का दिल तो जीत लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने आने वाली फिल्म पठान को बायकॉट करने वालों को भी फटकार लगाई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध किया जा रहा है तो फिल्म पर बैन की मांग कर रहा है। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने कहा है कि अगर पठान फिल्म रिलीज हुई तो विरोध करेंगे। उलेमा बोर्ड ने ऐलान किया है कि पठान मूवी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुसलमानों का विरोध है। इस फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वही हिंदू सेना ने पठान फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने सेंसर बोर्ड को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है, अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और हमारा संगठन उग्र प्रदर्शन भी करेगा। हिंदू सेना ने सिनेमा घर में मालिकों को धमकी दे दी है, अगर फिल्म की रिलीज की गई तो नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। संगठन ने सेंसर बोर्ड को भी चेताया है कि जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो हिंदू सेना को सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा। दीपिका पादुकोण के ड्रेस को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है। मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में भी बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है, फिल्म पठान बॉयकॉट होनी चाहिए, यस और नो? कमेंट हमें जरूर दीजिए और इसी तरह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं तेरी मेरी बातें।